नीतीश कुमार के यात्रा के लिए ट्रेन को रोकने पर भी मचा बवाल। बक्सर में ट्रेन को किसने रोका और इस मामले पर क्या कुछ नया मामला है वह विस्तार से करेंगे बातचीत, बने रहिए आप हमारे साथ। तेजस्वी यादव ने ऐसे नीतीश कुमार को घेरा जब अब नीतीश कुमार पानी मांगने लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरीकों से पता है कि घिर चुका हूँ मैं। इसके साथ ही आज की बड़ी खबर में बातचीत होगी कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार और सिस्टम का क्या है नई अपडेट और जानकारी, विस्तार से करेंगे बातचीत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों बातचीत होगी कि नीतीश कुमार को लेकर के अब जो है विशेष राज के दर्जे की मांग की जो दर्द है वो झलका है मीडिया के कैमरे के सामने। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत होगी कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित समुदाय के वोट बैंकों को कैसे अपने हक में किया, अधिकार में किया, इस पर भी विस्तार से नजर डालेंगे। तो छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, उससे पहले एक नजर आज की बड़ी और मुख्य समाचार पर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजद को यह अच्छे से पता है कि जो भाजपा का नेता नहीं हो सका, जो प्रधानमंत्री का नेता नहीं हो सका, वो हमारा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वह प्रधानमंत्री के जब नहीं हुए तो वो क्या तेजस्वी यादव के होंगे। इन्हीं सभी मुद्दों पर तेजस्वी ने अब नीतीश कुमार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। 2023 में माना जा रहा है कि एक बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री चिन्हित किया जाएगा। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तेजस्वी यादव को नहीं देते हैं तो पार्टी के दृष्टिकोण से भी राजद एक बड़ी पार्टी है और राजद अकेले भी अपनी सरकार को बिहार में स्थापित कर सकती है, क्योंकि ये बात अच्छे से पता है कि राजद के विधायक उतने कैपेबल हैं जो सरकार वो अपने आप से बना सकते हैं। अब इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार पर दबाव डालने की यह कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार कभी भी अपने विधायकों के साथ भाजपा में भी नहीं जा सकते, शायद इसीलिए वह जब भाजपा में नहीं जा सकते तो यह सारा कुछ खेल किया जा रहा है। खेल आपको क्या ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, कमेंट में। बड़ी खबर तो ये है कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन पंजाब में इस यात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने जबरदस्त बयान दिया। जेपी नड्डा के बयानों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहे कि देश में जहां आर्थिक स्थिति देश की गड़बड़ा रही है, तो वहीं इन सभी लोगों को ये सारी चीज़, जातिगत जनगणना कोई कराएगा तो कोई जो है वो देश में हिंदू और मुसलमान में फ़र्क बताएगा, लेकिन जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, हमारा देश कैसे मजबूत होगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लोग ऐसे सपोले हैं जो कहीं ना कहीं जनता को ठग करके और हमेशा लूट करके खाते हैं। ऐसे में इन पर कदापि विश्वास ना किया जाए, इन सपोलों पर ना विश्वास किया जाए और इस बार जो है वो कांग्रेस को भी मौका दिया जाए। इशारों में उनका कहने का कुछ यही लहजा था। बड़ी खबर, चिराग पासवान को अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमें बने रहना है तो भाजपा के साथ ही रहना होगा और बीजेपी के साथ ही रह करके कोई बड़ा खेल करना होगा। अब इसीलिए वह लग चुके हैं खेल करने में। खेल ये कि बिहार में कैसे दलित समुदाय के वोट बैंकों को अपने हक में लेकर के आया जाए। दलित समुदाय का वोट बैंक अगर चिराग के समर्थन में आ जाता है तो चिराग को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। शायद इसीलिए वह मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की ओर अपने संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्द चिराग पासवान जो है वह जी हाँ बिहार के लिए मुख्यमंत्री नॉमिनेट किए जा सकते हैं भाजपा की तरफ से, क्योंकि भाजपा भी ऐसे ही युवा चेहरे की तलाश में है और युवा चेहरे का तलाश चिराग पर जा करके पूरा हो जाता है और चिराग पर जब यह चीज़ें जा करके जब पूरी हो रही है तो चिराग मजबूत स्तर से अपने आप को एक अच्छा नेता के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। बढ़ते एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। बक्सर में नीतीश कुमार का समाधान यात्रा गया, लेकिन समाधान यात्रा में किसी को समाधान मिले या ना मिले, नीतीश का समाधान जरूर हो गया है। यह खबर विस्तार से बताने से पहले आइए आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। बक्सर में मीडिया कैमरे के सामने नीतीश कुमार का दर्द झलका है। जब नीतीश कुमार ने दर्द झलकाते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज का दर्जा की मांग हमने पहले से की है, लेकिन आज तक केंद्र की सरकार ने कभी भी इस मांगों को पूरा करने पर विचार नहीं किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं और आगे और भी बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बिहार को जिन चीज़ों से प्राप्ति हो रही थी हमने उन्हीं अधिकारों के साथ वो सारी चीज़ें मांग की, लेकिन आज बिहार को
विशेष राज्य का दर्जा ना मिलने से बिहार काफ़ी पीछे की ओर जा रहा है और इसे हमें रोकना होगा, इसे बिहार की जनता को मजबूत स्तर तक जा करके रोकना होगा। नीतीश कुमार के इस बयान के दिए जाने के बाद में अब बिहार कितना मजबूत होगा ये तो पता नहीं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर दर्ज जरूर होगा। बड़ी खबर निकल गई सामने नरेंद्र मोदी को लेकर के। देश में प्रधानमंत्री के चेहरों पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा अन्यथा नहीं, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए भी यह मुद्दा हो जाता है क्योंकि 23 के बाद में 24 है और ऐसे में बचे खुचे हुए तमाम राज्यों में जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरों को नॉमिनेट कर दिया गया है और अब प्रधानमंत्री के चेहरों पर ही चुनाव विधानसभा का लड़ा जाएगा। कई जगहों पर यह भी फिक्स कर दिया गया है कि उनकी चेहरों के बारे में जानकारी अच्छे से हो सके। बक्सर में समाधान यात्रा के दौरान ट्रेनों को रोक दिया गया और ऐसे में ट्रेनों को रोके जाने के बाद में जी हां बता दें कि गार्ड साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजरने वाला है और इसीलिए फाटक को जो है वो हमने खोल दिया है क्योंकि अभी ट्रेनें तो आ करके खड़ी हैं, ट्रेनों को खड़ा रखा गया है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ऐसे में आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, क्या यह बिल्कुल ठीक है कि जनता परेशान रहे और जो समाधान यात्रा पर निकला हो जिसे समस्या यात्रा भी कुछ लोग नाम दिए हुए हों तो ऐसी यात्रा पर निकलने वाले लोग जो है वो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजरों को भी परेशान करें। आपको इस मामले पर जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे नेता के बारे में आपकी क्या सोच है जो फाटक पर ही ट्रेनों को रोक करके और बड़े ही विभागी के साथ अपनी कार में बैठ करके मौज मस्ती करते जाता हो, उसे बिहार की जनता का कोई भी जी हाँ दुख और दर्द महसूस ना हो रहा हो। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार में। जी हाँ आपको बता दें कि बिहार में युवाओं ने रोजगार के मुद्दों पर अब तेजस्वी यादव को ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने नए साल के मौके पर जो कुछ भी बधाइयाँ दी थी उस पर तो आपने देखा ही था कि किस तरीके से बच्चों ने तेजस्वी यादव को घेरा था, आज फिर से तेजस्वी यादव को बच्चे घेर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि तेजस्वी यादव जी बिहार में रोजगार का स्थापना कब होगा ये तो हमें भी बता दीजिए क्योंकि आपने जो स्थापना जो आपने स्थिति देने की बात की थी वो आज कुछ भी मिली नहीं। आईपीएल का मज़ा और दोगुना होने वाला है, नई टीमों के साथ साथ आईपीएल को देखने का अंदाज़ आपको बदलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार आईपीएल में कई अन्य कंपनियां फ्री इंटरनेट के साथ साथ आईपीएल देखने के पैकेज भी लॉन्च करने वाली है जिस आईपीएल का मौज आप फ़ोन पर भी लाइव तरीकों से ज़बरदस्त मौज उठा सकते हैं। कंपनियों ने बेस्ट ऑफर्स के साथ आईपीएल के सीज़न की शुरुआत से पहले लोगों का लुभाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर ये है कि लालू प्रसाद यादव बिहार बहुत जल्द आ सकते हैं। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का बिहार में काफिला आने से पहले यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक सरप्राइज़ दिया जा सके, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की ओर ले जा करके या मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की ओर आगे बढ़ा करके यह कोशिश हो रही है और लालू प्रसाद यादव फिलहाल किडनी से ग्रसित हैं और वह कुछ समय बाद बिहार में आएंगे, यह बात पर कई बार जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अगर सड़कों पर पीते हुए मिले तो अब जेल के सलाखों में डाला जाओगे, ये इससे आप बच नहीं सकते हैं और इसीलिए शायद चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि जहरीली शराब से लोगों की जो मौत हो रही है तो सरकारों को भी अपने कानूनों में बदलाव तो करना ही चाहिए। अब सड़क पर पी करके अगर मिले बिहार में तो सीधे पुलिस चौकी जाना होगा, इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तेज प्रताप ने इन मामलों पर अपना बयान साफ तौर पर दिया। किसानों को सही समय से खाद और बीज ना उपलब्ध कराए जाने से आज किसान परेशान है, किसानों के खेतों में सही से बीज ना पहुंचने से किसान परेशान है और किसानों को सिंचाई व्यवस्था सही से ना मिलने से किसान परेशान है, लेकिन सरकारें बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। आपने देखा होगा कि किसानों का दुख दर्द कोई नहीं समझता, शायद इसीलिए बक्सर में किसानों के ऊपर घर में घुस करके लाठियाँ भी चलाई गई थी। खैर किसानों का दर्द कौन समझेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आवाज़ बुलंद तेजी से।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को यह साफ शब्दों में बताया है कि वह मुख्यमंत्री ही ठीक हैं, वह प्रधानमंत्री अभी नहीं बनेंगे, यूपी को छोड़ करके वह इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में आगे निकल चुकी है और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो कवायद है वो कुछ लोग करते नज़र आ रहे हैं। खैर, आपका इस मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का बेहतर ढंग से इंतज़ार रहेगा। IGT न्यूज़ के लिए दीपक की रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।